ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताज़ा हेडलाइंस पर। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी, 5 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के स्टाफ के 3 और कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। पंजाब के जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित गर्भवतियों के लिए होंगे अलग लेबर रूम। हरियाणा से बड़ी खबर, अभी नहीं चलेंगे हरियाणा रोडवेज की सारी बसें। विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बताया राजनीति का बालक, लॉकडाउन को लेकर भी दिया बयान। हरियाणा राजभवन पहुंचा कोरोना, दिखाएंगे विस्तार से। 10 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद हिमाचल का नाहन शहर 21 जुलाई तक पूरी तरह बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व रेवाड़ी में नहीं लगेगा कर्फ्यू, बढ़ेंगी सख्ती। राजस्थान के संग्राम पर वसुंधरा ने तोड़ी चुप्पी, कहा बीजेपी पर दोष मढ़ रही कांग्रेस। देसी वैक्सीन पर मिल रही गुड न्यूज, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने दिए संकेत। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते रोडवेज को बड़ा घाटा उठाना पड़ा है। अभी भी अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलाई जा रही, पड़ोसी राज्यों की सहमति बिना बसों का संचालन नहीं होगा। हरियाणा के 4 प्रमुख जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रेवाड़ी, जहां इस समय कोरोना के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। हरियाणा सरकार इन जिलों में और अधिक सख्ती बरतेगी, लेकिन इन 4 जिलों में कर्फ्यू लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। अब प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन 4 जिलों के कंटेनमेंट जोन में ही सख्ती रहेगी, जबकि बाकी स्थानों पर सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहेंगी। हिमाचल के नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ला में बीते दिन 10 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद जिला प्रशासन सिरमौर ने शहर में गहन सैंपलिंग करने और तथा सामुदायिक संक्रमण की संभावना को रोकने के लिए नाहन शहर को तुरंत प्रभाव से 21 जुलाई मंगलवार सुबह 7 बजे तक पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। पंजाब में गर्भवती महिलाओं में कोविड-19 के फैलाव को रोकने को यकीनी बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए सभी जिला अस्पतालों में अलग लेबर रूम स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने इसकी जानकारी दी। हरियाणा में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को हरियाणा राजभवन के एक सीनियर अधिकारी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली। बीते कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के स्टाफ के साथ महिला का टेस्ट हुआ था। महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब अधिकारी और परिवार के अन्य सदस्यों के भी सैंपल लिए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए आज प्रकाश टीवी।